नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। बीईओ रोजी सिंह ने स्कूल पहुंचे बच्चों का किया स्वागत। सुल्तानपुर राजधानी सहित प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में 1 जुलाई से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो भी चुकी है। इसी क्रम में सुल्तानपुर जिले की शिक्षा क्षेत्र बल्दीराय में खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह ने जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव व स्थानीय प्रधान बन्नू की उपस्थिति में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया। जूनियर स्कूल बल्दीराय तथा आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी के आए हुए बच्चों का ट्रोली टीका लगाकर स्वागत किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह तथा आए हुए जनप्रतिनिधियों ने अपने कर कमलों से बच्चों को निःशुल्क किताबों के सेट दिए। खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार तमाम तरह की सुविधाएं विद्यालयों में दे रही है, लेकिन बच्चे पढ़ लिख कर निपुण बने ये जिम्मेदारी शिक्षकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों तथा पूरे समाज की है। विद्यालय में एक शैक्षिक माहौल बहुत जरूरी है। बच्चों को जब एक बेहतर माहौल मिलता है तो वो उनका रोज विद्यालय आने का मन करता है। शिक्षकों को टिप्स देते हुए रोजी सिंह ने कहा कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वह बच्चों को समझ में आना चाहिए, यह शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी है। गुणवत्तापूर्ण भोजन मेन्यू के अनुसार ही दिया जाए, इसी किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। ARP रामधर यादव ने बताया कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षकों का अहम रोल है। बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने की भी अपील की। कार्यक्रम के दौरान ARP समीम खान, रमेश मिश्रा, जितेंद्र ज्योत्सना, सरिता, प्रगति, शीतला, संदीप, विनोद यादव सहित विद्यालय परिवार व बच्चे उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।